फ्रेंड्स, आई एम योगेश विजय, ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो आज हम स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का ले रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो डेफिनेशन है कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारी कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, उसका जो हम अकाउंट बनाते हैं डेट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो एक तरह से आपके सामने मैंने ब्रेकअप कर दिया, तो इट विल बी ईजी टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, किस किस के बीच में है, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हाँ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो टाइम क्या है, गिवन पीरियड 1 ईयर। ओके, अब इसके अंदर हमने एक वर्ड यूज करा है रेजिडेंट्स, इसको अंडरलाइन करा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट्स, इसको समझेंगे हम। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हुआ है उसको भी समझेंगे, उसमें क्या आता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड विच यू हैव यूज रेजिडेंट्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें इंक्लूड होता है इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। इन तीनों को मिलाकर ये तीनों इस रेजिडेंट्स के अंदर हमारा इंक्लूड होगा। तो इट इज क्लियर। नाउ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स, ये सब इंक्लूड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। बट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स, ट्रांसफर हो एक से दूसरे की तरफ। तो किस किस चीज़ का ट्रांसफर हो, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। विजिबल आइटम्स में क्या क्या है, जितने भी सारे जो फिजिकल गुड्स हैं जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, एंड विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्रीज को या बाहर की कंट्री से यहाँ पर मंगा रहे हैं। क्या इनविजिबल आइटम्स का भी ट्रेड होता है, यस, लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इनविजिबल आइटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स यानी कि वन साइडेड, तो गिफ्ट्स हो गए, पर्सनल रेमिटेंसेज और जो भी वन वे ट्रांजेक्शन्स। कैपिटल ट्रांसफर्स के अंडर इट रिलेट टू कैपिटल रिसीप्ट्स बाहर से आए, लाइक बोरिंग्स और आपने कोई एसेट सेल करा, या फिर कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल रिपेमेंट्स और परचेज ऑफ एसेट्स। तो ये हमने डेफिनेशन को और ज़्यादा क्लियर करा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो देखो अकाउंट्स जो है कॉमर्स में अकाउंट्स है, लेकिन ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है साइंस स्टूडेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दे हैव इकोनॉमिक्स इन दे स्कूल, और आर्ट्स के अंदर भी है, ह्यूमैनिटीज़ में भी है। तो जिनके पास कॉमर्स नहीं है तो मैं उनको बताऊँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बिजनेस अकाउंट की तरह है और उसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग चलता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो ह्यूमैनिटीज़ वालों ने अपने कॉमर्स फ्रेंड्स को बोलते सुना होगा ना कि कभी कुछ डेबिट होता है और कभी कुछ क्रेडिट होता है। तो क्या आपको अकाउंट्स पढ़ने की ज़रूरत है इसके लिए, नो। आई विल कवर दैट पार्ट ऑफ द कॉमर्स टीम विच इज सफिशेंट फॉर दिस चैप्टर। आपको ये नहीं कि डेबिट क्रेडिट अलग से थॉरली पढ़ना है, बट हाँ होता ये डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पर है। दो साइड्स हैं, जैसे अगर आपने बैंक अकाउंट देखा हो तो डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, जो जो चीज़ें हम बाहर सेल करते हैं या जिस जिस वजह से बाहर से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है हमारी कंट्री में आती है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, तो दैट इज इंक्लूडेड अंडर क्रेडिट साइड। ऑल इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, क्योंकि दो कंट्री के बीच में ट्रांजेक्शन है तो इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी ही होगी। ओके, तो व्हाट विल बी इंक्लूडेड अंडर डेबिट साइड,
कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जैसे हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी बाहर की तरफ आउटफ्लो हो रही है, हमारी कंट्री में माइनस हो रहा है, बाहर की कंट्री में जा रहा है, तो ऑल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टेकन अंडर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में इनफ्लोज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, लेकिन एक आता है BOT, तो व्हाट डू यू मीन BOT? दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। यस, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जैसे अगर हम इंडिया बोलें बेटा और दिल्ली उसका छोटा सा पार्ट है, तो ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा वाला चीज़ है और BOT उसका एक पार्ट है। तो BOT इज अ कंपोनेंट, इज अ पार्ट ऑफ BOP। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट क्या है? सिंपल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो भी हमने बाहर एक्सपोर्ट करा, जो भी हमने बाहर से इम्पोर्ट करा, माइनस कर दो। आपके मन में आ रहा होगा क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? ऑफकोर्स, इफ़ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स तो पॉजिटिव होगा, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो नेगेटिव होगा। और वी कैन से BOT इज फेवरेबल, कब? जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। और BOT अनफेवरेबल कब होगा? जब इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, फेवरेबल जो हम बोलते हैं उसको हम सरप्लस BOT भी कह सकते हैं। सरप्लस यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, डेफिशिएंट में इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। बैलेंस रेट के मैं चाहूँगा कि आप ये 2-3 ऑल्टरनेटिव नेम्स और देख लें। कई बार क्या होता है, याद हम करके गए बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे हमारा हर एक किसी का कोई ना कोई घर का नाम होता है, 2-3 नाम होते हैं, स्कूल का नाम अलग, घर का अलग, ऑल्टरनेटिव नेम्स आर देयर। तो इकोनॉमिक्स और जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल्टरनेटिव नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप याद करके गए, पेपर में आ गया बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, ये आ गया ट्रेड बैलेंस, तो दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है एक हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो इस अकाउंट में दो साइड्स हम लोग लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यही अकाउंट अभी ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्रेडिट, इसका अकाउंट हो गया रुपीज इन करोड़ हो गया, ये सारा क्रेडिट साइड और ये सारा डेबिट साइड। ओके, जैसे मैंने बोला क्रेडिट साइड में सारी वो आइटम्स हैं जिसकी वजह से बाहर से कंट्री में हमारे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आता है। एक एक करके आइटम्स को आप फील करिए। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रखी है जस्ट टू टेल इट। हमने बाहर एक्सपोर्ट करा गुड्स का, यानी विजिबल आइटम्स। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, बाहर से फॉरेन करेंसी आएंगी। करेक्ट, ठीक है, बड़े इजी पॉइंट से यू विल बी लाइक इजीली कन्विंस। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, कि भाई हमने सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा तो भाई इस बाहर वाले हमें पेमेंट देंगे बदले में। कैसे देंगे? फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो इनविजिबल आइटम्स भी सेकेंड आइटम हो गया, दोनों ही एक्सपोर्ट है, गुड्स का एक बार सर्विसेज का। थर्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अगर बाहर की कंट्री से हमें गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडेमनिटीज जो भी बाहर से रिसीव कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? फॉरेन करेंसी ही आएगी ना हमारी कंट्री में, तो वो भी थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कैपिटल रिसीव्स। बाहर से सपोज हम कुछ बोरो कर लेते हैं अमाउंट, ठीक है, कैपिटल रिपेमेंट्स आती है, या सेल ऑफ एसेट्स करा फॉरनर्स को, तो उसके बदले क्या होगा? वी विल रिसीव फॉरेन करेंसी। ये चारों हमारे क्रेडिट साइड में हो गए। अब डेबिट साइड में इस सब का रिवर्स है। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स था तो डेबिट में आ जाएगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि जब हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेचुरली बेटा वी आर रिक्वायर्ड टू पे समथिंग। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी में जाएगा, तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो जाएगा। अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो भी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। अगर हम यूनिटेड ट्रांसफर्स करते हैं, गिफ्ट्स, इंडेमनिटीज एटसेट्रा टू फॉरनर्स, तो इससे भी फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। सेम कैपिटल, यहाँ रिसीव्स था तो यहाँ कैपिटल पेमेंट आ जाएगा, तो जो भी हम बाहर पे कर रहे हैं वो आउटफ्लो में आ जाएगा। तो आई होप यू आर कन्विंस
कि ये चारों आइटम आप पढ़ेंगे तो इससे है इनफ्लो आया है फॉरेन करेंसी का, और डेबिट साइड में आउटफ्लो हुआ है फॉरेन करेंसी का। ये तो हो गया, दोनों साइड्स टैली करी। और अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स, ठीक है। नाउ अब आप देखो थोड़ा सा इसको और गहराई में हम लोग देखते हैं, टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अगर मैं फर्स्ट आइटम माइनस फिफ्थ करूं, जो कि मैं आपको जस्ट फ्यू मिनट्स पहले पढ़ा चुका हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, तो ये मैंने लिखा है डेट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, ओके। अब आप देखो लेफ्ट साइड की फर्स्ट थ्री आइटम्स और राइट साइड की फर्स्ट थ्री आइटम्स, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। फर्स्ट थ्री आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड, फर्स्ट थ्री आइटम्स ऑफ डेबिट साइड, दोनों साइड की तीन तीन है, दो हिस्सों में बांट दिया हमने टेबल को। दूसरा पार्ट दोनों साइड की फोर्थ आइटम, दो हिस्सों में बांट दिया। नाउ अगर हम दोनों साइड की तीन आइटम्स ले लेते हैं टॉप थ्री, वो होता है करंट अकाउंट ऑफ BOP। टेबल फॉर्म से आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। तो दोनों साइड की तीन तीन आइटम्स जो हैं, फर्स्ट थ्री आइटम्स अगर हम वो लें तो आएगा करंट अकाउंट ऑफ BOP, एंड इफ वी टेक ओनली फोर्थ आइटम ऑफ बोथ द साइड्स दैट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। तो इससे और ज़्यादा क्लियर होगी आपकी, अगर क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट ऑफ BOP एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। हमें रट्टा नहीं मारना, माइंड में छप जाएगा ये टेबल कि भाई फर्स्ट थ्री आइटम जो है करंट अकाउंट के कंपोनेंट है, नीचे वाला जो है वो कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP है। अगर कोई बोले कि भाई करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, सपोज 100 करोड़ का डेबिट बैलेंस है, तो नेचुरली कैपिटल अकाउंट में 100 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अल्टीमेटली दे हैव टू टैली। टेम्परेरी इम्बैलेंस और डिसइक्विलिब्रियम कैन बी देयर, बट अदरवाइज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट दे हैव टू टैली। तो आप इसको बेटा लर्न कर लो अच्छी तरह, तो इसके बेस पर आपके 10-15 क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी आए, आपको सपोज आइटम दे रहे हैं, आपको पूछेंगे बताइए वेयर इट विल बी इंक्लूडेड, वेदर इट विल कम अंडर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ BOP, इसमें 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। बट जिस बच्चे को ये टिप्स में हैं, टीचर ने क्लियर कर दिया, कहीं से भी क्वेश्चन आए बोर्ड में, ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपको एक अच्छी तरह करना है। अब इसी के अंदर मैंने ये करा कि करंट अकाउंट सरप्लस निकालना है, तो फर्स्ट थ्री आइटम्स हमने एक साइड की ले ली क्रेडिट की, और 5 + 6 = 7 फर्स्ट थ्री आइटम वहाँ की, तो ये हो गया करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, जब ये क्रेडिट्स आर लेस देन डेबिट्स, तो ये सरप्लस डेफिसिट भी इसमें से निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर डेफिसिट है तो बोरोअर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सरप्लस है तो लेंडर टू ROW यानी रेस्ट ऑफ द, ओके। तो ये बेटा आपको क्लियर है कि हमने करंट अकाउंट सरप्लस और करंट अकाउंट डेफिसिट ये हमने कर लिया। सिमिलरली हम कैपिटल अकाउंट का भी सरप्लस निकाल सकते हैं, आइटम 4 कैपिटल रिसीव साइड की और आइटम 8 डेबिट साइड की। तो अगर ये ज़्यादा रिसीव्स कैपिटल रिसीव्स थे तो नेचुरली वी विल गेट कैपिटल अकाउंट सरप्लस। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट्स नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर रिसीप्ट्स लेस है और पेमेंट ज़्यादा है तो इट इंडिकेट्स नेट आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, ओके। तो ये पूरा जो टेबल है इसका हमने ब्रेकअप कर लिया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर में। तो हमने एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडरस्टैंड करा, टेबल अंडरस्टैंड करा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे इंक्लूड का आ रहा है, एक्सक्लूड का आ रहा है, आइटम दे दी कि डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा, यू हैव टू डिसाइड। बट आई गारंटी यू कि वंस यू आर वेल इक्विप्ड विद दिस टेबल, होल्ड दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो आज मैंने बेटा एक छोटा सा टॉपिक लिया, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं फॉरेन एक्सचेंज के,
तो क्या ये अवेलेबल हो सकते हैं? द आंसर टू दिस इज यस यस यस। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑनलाइन वीडियो कोर्स, जो मेरी लाइव क्लासेस दौरान लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड हैं। पूरा चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट प्यार से आराम आराम से समझेंगे। अगर आप अभी तक किसी स्टूडेंट के 50%, 60%, 70, 80 तक अटके हुए हैं एंड यू वॉन्ट टू गो नियर 100, आपने इम्प्रूव करना है कि कोई ऐसी वीडियो मिल जाए कि जब आपका कन्वीनियंट टाइम हो, सुबह 6 बजे पढ़ना हो, 8 बजे पढ़ना हो, 10 बजे पढ़ना हो, दोपहर में पढ़ना हो, रात को पढ़ना हो, वेन एवर यू वॉन्ट, आप अपनी कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ सके। डिफिकल्ट टॉपिक को 2 बार, 4 बार, 10 बार रिपीट कर सके, ठीक है? आपको कहीं हेजिटेशन ना हो किसी से पूछने में। इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव गॉट दिस वीडियो लेक्चर रेडी फॉर यू। यू कैन टेक माई नंबर। माई नेम इज़ योगेश विजय। आई एम ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। 30 ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। वट आई हैव लर्नड थ्रू टीचिंग, वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक बेनिफिट ऑफ डैट, अभी एग्जाम्स में टाइम है तो आप वो ले सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट, जस्ट मैसेज मी, सर आई वॉन्ट होल वीडियो कोर्स और यू वॉन्ट पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो। अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग चाहिए या मुझे इंडियन इको का एक पॉवर्टी चैप्टर चाहिए, डैट ऑल्सो वी कैन प्रोवाइड, इट्स अप टू यू। सो माई नंबर इज 9871417484। अगेन आई रिपीट, 9871417484। जस्ट ट्राई टू मैसेज मी। आप कॉल करेंगे, हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, तो प्लीज़ ट्राई टू मैसेज एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू एंड माई टीम विल ऑल्सो गिव यू गुड रिस्पॉन्स टू यू एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू।